स्वागत दोस्तों, सोनेरी बैंक लिमिटेड के अंदर ये काउंटर सर्विस ऑफिसर ट्रेनिंगशिप प्रोग्राम 2022 ये एक तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम है और ट्रेनिंग के बाद बैंक के अंदर ही आप जॉब करेंगे। बैंक आप लोगों को जॉब ऑफर करेगा, लेकिन पहले ये कुछ महीनों की ट्रेनिंग होगी और उसके दौरान आप लोगों को स्टाइपेंड प्रॉपर जो बैंक देता है उसमें 25-30 हजार से लेके 60-70 हजार तक आप लोगों को स्टाइपेंड दिया जाता है, तो उसमें स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ब्रांच बैंकिंग ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस की जॉब है, कारपोरेट या बैक ऑफिस की नहीं है, ये फ्रंट ऑफिस की ऑपरेशंस की जॉब्स हैं। जैसे ब्रांच मैनेजर होता है, ऑपरेशन मैनेजर होता है और ये बाकी सर्विस ऑफिसर्स होते हैं, कैशियर वगैरह, इन तमाम की जॉब है ये। और इसमें जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। फ्रेश लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका एक्सपीरियंस नहीं है बगैर एक्सपीरियंस वाले। और जॉब हासिल करने में सबसे बड़ा मसला यही होता है कि जब हमारा सीवी कहीं जाता है तो फ्रेश कह के रिजेक्ट कर दिया जाता है कि पहले एक्सपीरियंस नहीं है आपका। तो उन लोगों के लिए जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेश मास्टर्स हैं, जिनके अभी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट हुई है लेकिन पहले उनका जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो पहले बहुत सारी वीडियोस में मैं बच्चों को ये कह चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि उन्हें अपने कैरियर का स्टार्ट किसी ऐसे ही काउंटर से लेना चाहिए जो ट्रेनिंगशिप प्रोग्राम हो। तो ये भी बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए, मेरे बेटियों के लिए, बेटों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आप सोनेरी बैंक के अंदर इस ट्रेनिंगशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, एक्सपीरियंस हासिल करें और बैंकिंग सेक्टर के अंदर अच्छी जॉब्स करें। और एक बैंक के अंदर जब 2-4-5 साल आप लगा लेते हैं तो फिर अच्छे लेवल पे कहीं भी किसी और बैंक में मूव कर सकते हैं, बल्कि 2 साल के बाद ही आप इजीली मूव कर सकते हैं। लोकेशन इंटायर सिंध और पंजाब है, सिंध और पंजाब के अंदर ये वैकेंसीज हैं और ये वैकेंसीज हैं काफी ज्यादा, मोर देन 500 वैकेंसीज हैं। एजुकेशन मिनिमम 14 ईयर्स से 16 ईयर, देखें ये ग्रेजुएशन 14 ईयर्स के जो ग्रेजुएट लोग हैं वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है ये ट्रेनिंगशिप के बाद, क्योंकि आप लोगों को जॉब ऑफर की जाएगी, ये परमानेंट नेचर की है। डेडलाइन 18 अगस्त 2022 है और जो एज है वो 25 साल होनी चाहिए 30 जून 2022 को। CGPA 3 या अबाव होना चाहिए। शार्टलिस्ट आप लोगों को किया जाएगा, पहले आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करोगे, वहां से आप लोगों को शार्टलिस्ट किया जाएगा। शार्टलिस्ट कैंडिडेट्स को मैं खुद ही कंटेक्ट करेगा, कैंडिडेट्स वेटिंग देव फाइनल ट्रांसक्रिप्ट रिजल्ट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। देखें जो क्वालिफाइड है जिनके पास कंप्लीट रिजल्ट कार्ड है, सर्टिफिकेट्स हैं, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। एनी टाइम टू इन्फ्लुएंस द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। किसी तरह का आप लोगों ने इलीगल चीज जो है वो यूज नहीं करनी और इसमें और कोई ऐसी चीज नहीं है। अब हम देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। देखिए बैंक का एक प्रोसेस होता है जिसमें आप लोग अप्लाई करते हैं और उसके बाद आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, टेस्ट वगैरह या इंटरव्यू जो बैंक लेता है वो लेने के बाद आप लोगों को हायर किया जाता है। बच्चों में थोड़ी सी बेचैनी आ जाती है कि इंटरव्यू हो गया उसके बाद हमारे कॉल लेटर नहीं आए, पता नहीं हमारी जॉब हुई है या नहीं हुई, थोड़ा वेट करना पड़ता होता है क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस से गुजरने के बाद ही आप लोगों को कंप्लीट जॉब ऑफर्स की जाती है। आप व्यू जॉब पे क्लिक करेंगे, ये नीचे लिंक दिया हुआ है व्यू जॉब का, इस पे क्लिक करेंगे, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल खुद बनानी है, ये प्रोफाइल है, यही सबमिट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यही है। यहाँ पे आप लोग अपनी तस्वीर लगाएंगे और बाकी जो है ये डाटा सारा फिल करेंगे, जितनी भी चीजें हैं इसमें तमाम कंप्लीट आप लोग फिल करते जाएंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे। जब एक फॉर्म फिल कर लेंगे, एक पेज फिल कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज आ जाएगा। यहाँ भी अगला पेज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इस पेज पे मैंने जो डाटा है वो फिल नहीं किया। एक पेज पे डाटा फिल नहीं करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आप नहीं जा सकेंगे। जैसे जैसे आप डाटा फिल करते जाएंगे वैसे वैसे नेक्स्ट पेज करते जाएंगे और आप कंप्लीट प्रोफाइल करने के बाद अप्लाई सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, नीचे लिंक आ जाएगा और आप लोगों का
ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें अप्लाई हो जाएगा। फिर आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, होल्ड करेंगे और जैसे ही आप लोग शार्टलिस्ट होते हैं बैंक आप लोगों से खुद ही रब्ता कर लेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल लाजमी कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज मैंने देखी है कि उनकी वहां पे जो जॉब लॉस होती है उनकी डील एक्सपायर हो चुकी होती है लेकिन फिर भी रिव्यू होती रहती है। देखिए ये रिव्यूशिप से कोई कंसर्न नहीं है, मेरा पर्पज जो है वो बच्चों को बताना है कि ये जॉब अवेलेबल है, यहाँ पे अप्लाई करें। अगर आप लोग टाइम में उसको रिव्यू नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगर डील एक्सपायर होने के बाद आप लोग रिव्यू करेंगे तो उससे मेरा पर्पज सॉल्व नहीं होता, क्योंकि मेरा पर्पज जो है वो अपनी व्यूअरशिप बढ़ाना या पैसे अर्निंग नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही हेड सब अर्निंग कर रहा हूँ अपनी जॉब से, तो मेरा यहाँ पे पर्पज बच्चों को बताना है कि यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है ताकि बच्चे अप्लाई करें और दुआएं दें मुझे भी और उन लोगों को जो सोर्स बने उनके रोजगार का। ऑल द बेस्ट।